हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज ब्रह्मास बैच की क्लास 16 है। आज की क्लास में हम लोग इंडियन लिटरेचर के टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाली हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे दोस्तों, तो आज की पूरी क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी 7 PM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग शाम को 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी GK GS में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले एग्जाम में आप लोग GK GS में बहुत अच्छा सा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रसिद्ध कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर किसने लिखी है? हु रोट द फेमस पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? फर्स्ट ऑप्शन है सरोजनी नायडू ने, सेकंड ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, थर्ड ऑप्शन है सुब्रमण्यम भारती ने, फोर्थ ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, प्रसिद्ध कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उपन्यास द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया है? द नोवेल द व्हाइट टाइगर इज रिटन बाई होम? फर्स्ट ऑप्शन है विक्रम सेठ, सेकेंड ऑप्शन है अरविंद अडिगा, थर्ड ऑप्शन है चेतन भगत, फोर्थ ऑप्शन है जुम्पा लाहिड़ी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, उपन्यास द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद अडिगा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द ऑथर ऑफ द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स? फर्स्ट ऑप्शन है किरण देसाई को, सेकेंड ऑप्शन है चित्रा बनर्जी दिवाकुरुनी को, थर्ड ऑप्शन है अनीता नायर को, फोर्थ ऑप्शन है अनीता देसाई को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी को। चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उपन्यास ए सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखा गया है? द नोवेल अ सुटेबल बॉय इज रिटन बाई होम? फर्स्ट ऑप्शन है विक्रम सेठ, सेकेंड ऑप्शन है अरुंधति रॉय, थर्ड ऑप्शन है किरण देसाई, फोर्थ ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, उपन्यास ए सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखा गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जातक कथाएं बौद्ध दंत कथाओं का एक संग्रह किस भारतीय भाषा में उत्पन्न हुई थी? द जातक टेल्स अ कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट फेबल्स ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन लैंग्वेज? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी, सेकंड ऑप्शन है उर्दू, थर्ड ऑप्शन है पाली, फोर्थ ऑप्शन है बंगाली। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जातक कथाएं बौद्ध दंत कथाओं का एक संग्रह किस भारतीय भाषा में उत्पन्न हुई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पंचतंत्र किसने लिखा था? हु रोट पंचतंत्र? फर्स्ट ऑप्शन है विष्णु शर्मा, सेकंड ऑप्शन है चाणक्य,
थर्ड ऑप्शन है कालिदास या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी बार एग्जाम हॉल में ये पूछा जा चुका है कि पंचतंत्र किसने लिखा था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इन विच ईयर वॉज द नेशनल बुक ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड। फर्स्ट ऑप्शन है 1 अगस्त 1957 को, सेकेंड ऑप्शन है 1 अगस्त 1963 को, थर्ड ऑप्शन है 15 अगस्त 1957 को या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त 1957 को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद्र का दूसरा उपनाम क्या है। व्हाट इज द अदर निक नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद। फर्स्ट ऑप्शन है नवाब राय, सेकेंड ऑप्शन है धनपत दास, थर्ड ऑप्शन है गोपाल शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है प्रेमदास। बताइएगा फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद्र का दूसरा उपनाम क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए नवाब राय। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। When was मुंशी प्रेमचंद्र famous novel गोदान published for the first time? First option है 1930 में, second option है 1936 में, third option है 1940 में, fourth option है 1942 में। बताइएगा दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1936 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस बंगाली कवि को विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है। विच बंगाली पोइट इज आल्सो नोन एज रेबेल पोइट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है जीवनानंद दास, सेकेंड ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन है काजी नजरुल इस्लाम, फोर्थ ऑप्शन है दौलत काजी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस बंगाली कवि को विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी काजी नजरुल इस्लाम को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय मूल के लेखक वी एस नायपॉल ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार कब जीता। इंडियन ओरिजिन राइटर वी एस नायपॉल वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। फर्स्ट ऑप्शन है 1998 में, सेकेंड ऑप्शन है 2001 में, थर्ड ऑप्शन है 2003 में, फोर्थ ऑप्शन है 2008 में। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय मूल के लेखक वी एस नायपॉल ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार कब जीता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2001 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वी एस नायपॉल की राष्ट्रीयता है
वीएस नाइपॉल नेशनलिटीज, फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन, सेकेंड ऑप्शन है ब्रिटिश, थर्ड ऑप्शन है अमेरिकन, फोर्थ ऑप्शन है ब्राजीलियन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वीएस नाइपॉल की राष्ट्रीयता क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? हु इज द फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिंदी? फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, सेकेंड ऑप्शन है नागेंद्र, थर्ड ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, फोर्थ ऑप्शन है अमृतलाल नागर। बताइएगा फ्रेंड्स, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट वोमेन टू रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है महाश्वेता देवी, सेकेंड ऑप्शन है बानी बोसु, थर्ड ऑप्शन है आशापूर्णा देवी, फोर्थ ऑप्शन है अमृता प्रीतम। बताइएगा दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अमृता प्रीतम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इन विच ईयर वॉज द ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट ऑप्शन है 1965 में, सेकेंड ऑप्शन है 1970 में, थर्ड ऑप्शन है 1972 में, फोर्थ ऑप्शन है 1962 में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1965 में। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।